once again the learning classes group as working academy Tajpur Bahraich आप देख रहे हैं बोर्ड पे आज से कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि रवि कुमार विश्वकर्मा जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं उनके द्वारा चालू की जा रही है पार्ट वन है और अगर आप वास्तव में आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसका एक्सपीरियंस लीजिए अभी अभी टैलेंटेड लड़का है अभी स्टार्टिंग में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई होगा और आप जानते हैं कोई जन्म से सीख कर नहीं आता है यहीं पर दुनिया में आके वो एक्सपीरियंस हासिल करता है तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए क्लास की तरफ बेसिक कंप्यूटर फर्स्ट क्लास है बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो बेसिक होता है वो क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर भाई जिसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है तब तो हम उसके बारे में पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर है क्या। तो सी के मतलब होता है कॉमनली यानी कॉमन होता है इसका एक ही शब्द होगा दोनों सेम होते हैं। इसके मतलब कॉमनली का मतलब होता है आमतौर यानी कोई भी यूज कर सकता है आमतौर से। और ऑपरेटिंग या ऑपरेटेड मतलब एक ही शब्द है ऑपरेटिंग मतलब ये संचालित होता है कोई भी इसको चला सकता है। एम एक मशीन है ये पी पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से एक मशीन है। यूज इसका प्रयोग होता है प्रयुक्त होता है टेक्निकल तकनीकी क्षेत्र में। भाई आज पूरे सारे दिन का काम कंप्यूटर 5 मिनट से 2 मिनट में 5 मिनट में 10 मिनट में कर देता है। क्यों क्योंकि इसके अंदर तकनीक है। फिर एजुकेशनल शैक्षणिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी हो गया है। रिसर्च अनुसंधान रिसर्च करता है खोज करता है कोई खोज की कंपनी हो रिसर्च करता है अनुसंधान लगभग सभी क्षेत्र में अब कंप्यूटर का उपयोग बहुत बढ़ चुका है। चलिए आगे चलते हैं कि कंप्यूटर की शब्द जो कंप्यूटर शब्द है सबसे पहले कंप्यूटर को कंप्यूटर नाम किसने दिया। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। इस शब्द को कमीशन ऑफ ऑल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी CSTT के द्वारा एक कंपनी है इसके द्वारा इसका नाम कंप्यूटर रखा गया। अगला कंप्यूटर का परिचय कंप्यूटर है कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय अब यहां पे बहुउद्देशीय जो ये परिचय हमने लिखा है बहुउद्देशीय शब्द आपको नया लग रहा होगा। यहां पर बहुउद्देश्य का मतलब ये है हर कार्य में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या बिजनेस के क्षेत्र में हो या ट्रेवलिंग के क्षेत्र में हो या यहां तक कि कृषि के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा यानी हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देश आप जो उसको कमांड देंगे जो उसको डाटा देंगे उसको प्रोसेस करेगा उसके बाद में आपको उत्तर देगा। ये नहीं कि वो अपने मन से काम करता है नहीं उसको आप जो निर्देश देंगे उसके अनुरूप उसके साथ वो क्या करता है कार्य करता है। यह मशीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये जो कंप्यूटर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है। या तो केवल हार्डवेयर लगाएंगे तब वो अपना काम नहीं कर सकता या केवल सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता यानी इसका ये मशीन जो होती है जो कंप्यूटर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक संयोजन होता है आपस में काम करता है दोनों का एक मिलन होता है तब क्या होता है संयोज दोनों के अनुरूप ये कार्य करता है जो कि डेटा को जानकारियों में बदल देता है। कोई भी कमांड होता है कंप्यूटर आगे क्लासों में हम पढ़ाएंगे बाइनरी संख्या यानी कंप्यूटर केवल दो ही शब्द समझता है और जो कि ये जो हमारा डाटा होता है केवल डाटा के रूप में समझता है उस जानकारियों को हमारे अपने शब्दों में
जो हमको समझ आए, जो हम सेट करें, जो लैंग्वेज उसमें सेट करेंगे उसमें हम क्या करता है, बदल देता है। और यह जटिल करना है, कठिन से कठिन कार्य को 10 दिन का काम है, कंप्यूटर मात्र 1 घंटे में कर देता है। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहां फिर हमें एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखना पड़ा, इसलिए क्योंकि ये केवल इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट से ही संचालित हो सकता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जब ये कठिन कार्य को कर सकता है, एक मजदूर होता है जो 200 रुपए में सारा दिन यानी पूरा दिन काम करता है, लेकिन एक जो इंजीनियर होता है उसकी सैलरी 20,000 होती है, एक दिन की 2-2 हजार रुपए उसकी सैलरी होती है। क्यों? क्योंकि काम कम करता है, माइंड से काम करता है। कहने का मतलब यह है जो हमारा कंप्यूटर होता है वो पूरा मस्तिष्क का रूप होता है, वो मस्तिष्क के काम करता है, इसीलिए उसका हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।